होशंगाबाद कलेक्टर धनंजय सिंह ने बैंकों का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर को कुछ दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के साथ कई अन्य योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है, जिसको देखते हुए कलेक्टर ने बैंकों का निरीक्षण किया और दोषी अधिकारियों पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक की ब्रांच का निरीक्षण किया और हितग्राहियों से उनकी समस्याएं सुनी। इन बैंकों से हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। कलेक्टर धनंजय सिंह ने लंबित प्रकरण मिलने पर दोनों बैंकों के मैनेजरों पर FIR करने के आदेश दिए। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और स्व सहायता समूह को बैंक लिंकेज व रोजगार मूलक योजनाओं में तय लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा रहा है। SBI बैंक शाखा में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में केवल 41 प्रकरण वितरण करने और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता में एक भी प्रकरण वितरित नहीं किए जाने पर धनंजय सिंह ने नाराजगी व्यक्त की और धनंजय सिंह ने अनावश्यक परेशान करने और 143 प्रकरण लंबित होने पर इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक के निलंबन हेतु पत्र बैंक के वरिष्ठ कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए। कुछ बैंक शाखाओं का भी निरीक्षण किया, लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि उनके पास ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर और अर्बन स्ट्रीट वेंडर के जो प्रोग्राम्स हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्राथमिकता के कार्यक्रम हैं, उनमें अनावश्यक विलम्ब कारित किया जा रहा है, ये ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। तो आज हमने मौके पर जाकर देखा और ये पाया कि बहुत सारे वहाँ पर हितग्राही, उनको अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। प्रकरण जो स्वीकृत हो गए हैं वो बिना कारण के वितरण नहीं किए जा रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।